पर सूत्रों के हवाले तो चंडीगढ़ के 7 दिनों का लॉकडाउन लगन जा रहा। सूत्रों के हवाले तो वड्डी खबर आ रही है, लगातार मामले चंडीगढ़ के भी वधदे जा रहे हैं, जिसनों लैके दसिया जा रहा है कि हुण 7 दिनों का लॉकडाउन लग सकता है चंडीगढ़ के। सूत्रों के हवाले तो खबर आ रही है, अभी तक कोई अधिकारित ऐलान तो पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन अज वॉर रूम की बैठक जरूर है चंडीगढ़ के, प्रशासन की अहम मीटिंग है जिसके बाद वड्डे डिसीजन ले जा सकते हैं। हालांकि फिलहाल चंडीगढ़ के सिर्फ नाइट करफ्यू है, तो होर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगिया हुई ने, तो दसिया जा रहा है जिस तरह नाल केस वध रहे ने उन्हां नाल नजिठण दे वास्ते हुण वड्डा फैसला चंडीगढ़ प्रशासन लैण जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक चंडीगढ़ के 7 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान हो सकता है, शाम तक ऐलान संभव दसिया जा रहा, हाले तक कोई अधिकारित पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले तो वड्डी खबर आ रही है कि अज वॉर रूम की मीटिंग भी है, जिस के बाद ये अहम ऐलान चंडीगढ़ के वास्ते हो सकता है। राजधानी चंडीगढ़ काफ़ी उत्थे चहल पहल रही है, तो काफ़ी पाबंदियां भी प्रशासन को लगाई गई, लेकिन कोरोना के मामले घट नहीं रहे, वध रहे ने, इसे चलते वड्डा डिसीजन लिया जा सकता है। मेरे नाल मेरे सहयोगी अंकुश महाजन फोन पर मौजूद ने। अंकुश, हालात की ने चंडीगढ़ के, की मीटिंग के वड्डा फैसला 7 दिनों के लॉकडाउन वर्गा लिया जा सकता है? हरमन देखो, अज चंडीगढ़ की वॉर रूम कमेटी की मीटिंग है, तो चंडीगढ़ के लगातार जिस तरीके मामले कोरोना के बढ़ रहे, उसको देखते हुए कोई वड्डा फैसला लिता जा सकता है, कोई सख्त पाबंदी है जी है शहर के लगाई जा सकती है। कल इसी लैके राज्यपाल से चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर उन्होंने वालों वक्री वक्री जी पोलीटिकल पार्टी उन्होंने नुमाइंदे मीटिंग की गई, तो उन्होंने सजेशन लिते गए, उस तो बाद पत्रकारों भी उन्होंने वालों संबोधित किया गया, तो पत्रकारों तो भी जड़े सजेशन लिते गए थे, जिस कई तरह के जेडे सुझाव उन्होंने को सामने आए थे लॉकडाउन लैके वीकेंड करफ्यू में लैके, तो उन्होंने वालों कहा गया कि सख्त कदम लिते जा सकते, क्योंकि चंडीगढ़ के जिस तरीके मामले बढ़ रहे उसको देखते हैं। हालांकि ये जेडे फैसले ये कल यानी कि आज वॉर रूम कमेटी की मीटिंग होनी है उससे लिते जाएंगे, क्योंकि चंडीगढ़ के नाल नाल मोहाली से पंचकूला भी जरा ट्राईसिटी के काउंट आता है, तो वॉर रूम की मीटिंग के पंचकूला से मोहाली दोनों जिले के जेडे डीसी भी मौजूद रहेंगे, उन्होंने जेडे सीएमओ है वो भी मौजूद रहेंगे, लेकिन चंडीगढ़ नाइट कर्फ्यू की गल करिए रात 8-9 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक है, जिसनों जो वधाया जा सकता है, यानी कि मोहाली से पंचकूला की तर्ज से जरा नाइट कर्फ्यू का समय उसनों भी 6 बजे किया जा सकता है, लेकिन एक हफ्ते के जरा पूरा कर्फ्यू है उससे विचार जरूर हो सकता है, लेकिन वो चांसिस हूँ काफी घट लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके केंद्र सरकार वालों कहा गया है सारे सूबा की लॉकडाउन तो बचा किया जाए जी, उसनों जरा आखिरी विकल्प के तौर पर देखा जाए, तो प्रशासन हले देख रहा है कि इस हले आखिरी दौर से ना देखा जाए, क्योंकि हले इस अगर लॉकडाउन लगाना है तो उसके लिए काफी सारे जेडे काम है वो करने पैने, जेडे दिहाड़ीदार लोग है अगर उन्होंने पलायन कर रहे हैं उन्होंने पलायन तो रोकने लिए की कदम चकने, ये सारी चीजा देख जरा वड्डा लॉकडाउन तो नहीं लगा सकते लगा रहे हैं, लेकिन कुछ होर जी सख्ती है उसके ऐलान हो सकता है। अंकुश, एक बार चंडीगढ़ के हालात की ने कोरोना लैके वो एक बार बयान कर दो। बिल्कुल हरमन, इस वे अगर चंडीगढ़ की गल करिए तो रोजाना जे 800 तो उपर जे मामले वो चंडीगढ़ के सामने आ रहे हैं, कल की गल करिए तो कल 837 जे नवे मामले आए थे, 6 लोगों की जी मौत हुई थी, अगर वही ट्राईसिटी की गल करिए ट्राईसिटी के कुल मिला के 2000 तो उपर पॉजिटिव केस आए हैं, तो तकरीबन 20 मौत जी हुई है, यानी कि आंकड़ा जरा है वो काफी वड्डा है, रोजाना अगर इस तरीके 20 लोगों की मौत होगी तो वड्डा एक नुकसान जरा चंडीगढ़ देखने को मिले, जिसन देखते हुए अज जरा जे तिखे जे सख्त कदम है प्रशासन जरूर चकन जा रहे हैं, लेकिन वड्डा लॉकडाउन अगर गल करिए वड्डे लॉकडाउन की तरफ चंडीगढ़ हले नहीं ज्यादा दिखाई दे रहा, लेकिन विचार हो सकता है, तो आप जानकारी धन्यवाद। सो अज चंडीगढ़ वॉर रूम कमेटी की मीटिंग है, जिस दे विच सख्त फैसले ले जा सकते ने, हालांकि प्रधानमंत्री भी कह चुके ने, सरकारां लगातार कह रही ने कि लॉकडाउन कोई इनू आखिरी विकल्प के तौर पर देखा जाए, लॉकडाउन तो जिन्ना हो सके बचा जाए, तो लॉकडाउन तो फिलहाल इनकार
ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਰੂਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਰੂਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।